हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीत्रा ट्यूटोरियल क्लासेस। तो कैसे हैं, उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, जिसको हम लोग नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स के बारे में। तो बच्चों, अगर हम किसी भी न्यूरॉन की स्टडी करते हैं तो न्यूरॉन्स को हम उनके बॉडी के तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है डेंड्रॉन, दूसरा पार्ट है साइटॉन और तीसरा पार्ट है एग्जॉन। और ये सब जितने भी मैंने इनके पार्ट लिखे हैं वो सब उन्हीं के अंतर्गत में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेंड्रॉन्स। तो हम सभी देखते होंगे कि जो हमारा न्यूरॉन सेल्स है तो वो एक स्टार शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका अपर एंड स्टार शेप होता है। तो इसके अपर एंड पर कुछ ऐसे बहुत सारे फाइबर्स बाहर की तरफ लगे होते हैं और ये फाइबर्स जुड़े होते हैं सब किससे, हमारे साइटॉन से। यानी सभी इस प्रकार के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एक साइटॉन स्ट्रक्चर से जुड़ जाते हैं। तो जिस टर्मिनल एंड से डेंड्रॉन से बहुत सारे ब्रांचेस निकलती हैं उस मेन शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। अब उस डेंड्रॉन से जो बहुत सारे ब्रांचेस निकलती हैं इन ब्रांचेस को हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। इज इट क्लियर? अब जब डेंड्राइट्स क्लियर होते हैं तो ये करते क्या है एक्चुअल में, जो नर्व्स, जैसे कि ये जो डेंड्राइट्स होती है यही हमारे मसल्स में जुड़े होते हैं। अब होता ये है कि जब हमारे मसल्स को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, जैसे टेम्परेचर, धूप, ह्यूमिडिटी, कुछ भी जब उसको टच करती है, तो ये इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है तो हमारे इस डेंड्राइट्स में खासियत होती है कि ये सभी नर्वस इम्पल्स को वो किस में कन्वर्ट कर लेता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट कर लेता है और इसके अंदर प्लस चार्ज जनरेट हो जाते हैं। और यहाँ यहाँ से सभी प्लस चार्ज जो जितने इस सिग्नल को रिसीव किए होते हैं वो सब डेंड्रॉन से होते हुए कहाँ आ जाते हैं, साइटॉन में आ जाते हैं। अब जब साइटॉन में आ जाते हैं तो साइटॉन के अंदर भी उसी तरह सा एक इसका साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूरोप्लाज्म के अंदर आपको एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है और इसके अंदर कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखते हैं जिसको निसल्स पार्टिकल्स कहते हैं। एक्चुअल में ये हमारा नर्व फाइबर्स की तरह से काम करता है। तो जब सिग्नल इन सारे डेंड्रॉन्स रिसीव करते हुए हमारे साइटॉन में आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एटीपी को खर्च करके उसकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को और इंक्रीज कर देता है। और जब वो इंक्रीज कर देता है तो सारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक लंबे थ्रेड के थ्रू नीचे की तरफ मूव करता है और उस लंबे थ्रेड का नाम है एग्जॉन। और ये जो एग्जॉन होते हैं ये नेकेड नहीं होते हैं बल्कि इसके ऊपर एक फैटी टिश्यू की लेयर होती है और उस फैटी टिश्यू का नाम है माइलिन शीथ। ये ठीक कवरिंग बच्चों उसी तरह से है जैसा आप लोगों ने आपके घर के अंदर जो वायर देखे होंगे और उस वायर के ऊपर टेफ्लॉन की जो कोटिंग होती है, पीवीसी की जो कोटिंग होती है, रबड़ की कोटिंग होती है, तो ये कोटिंग उसको ठीक उसी तरह से कवर करके रहता है ताकि ये इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बॉडी में डिस्पर्स ना हो जाए। यानी जब तक ये इसको ऐसे इस प्रकार से कवर किया रहेगा तो ये जो हमारा वायर है वो उस वायर को इसी के अंदर क्या कंजर्व करके रखा रहेगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स इस एग्जॉन के थ्रू नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उनको हमारा माइलिन शीथ क्या करता है, कवर करता है। और एक्चुअल में ये माइलिन शीथ जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं ये अपने आप में एक्चुअल में ये एक फैटी सेल का हिस्सा होता है और उस फैटी सेल का नाम है स्वान सेल्स, क्योंकि इन सभी के पास अपने क्या है, खुद के एक न्यूक्लियस है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ एक सेल्स है, अब ये सेल्स ये अगर हमारे एग्जॉन है तो ये इस एग्जॉन को इसको चाहता से क्या कर लेगा, ऐसे कवर कर लेगा ताकि इसके अंदर से हमारा वायर मूव करे। तो ये स्वान सेल्स होते हैं। अब होता यह है कि दो सेल्स के बीच में गड्ढे होते हैं और इन गड्ढों को रेनवियर नोड्स कहते हैं। इज इट क्लियर? और जब ये एग्जॉन अपने फ्री टर्मिनल इन में पहुंच जाता है तो वहां पर ये दो ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। इस दो बटी हुई ब्रांचेस को हम लोग सेनेप्टिकल नोड्स या टेलोंड्रिया भी कहते हैं। तो ये अपने टर्मिनल इन पर बहुत सारे ऐसे नोड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जहां पर ये ऐसे नोड्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं एक्चुअल में ये अब नोड्यूल्स अब अगले सेल्स का, अगर जैसे मान लिया अगर कोई अगला सेल्स है और वहां से उसको ब्रेन तक जाना, सेल बड़ा लंबा हो जा रहा है, तो ये नोड्यूल्स उसके नोब्स में क्या हो जाते हैं, उसके रिसेप्टर में घुस जाते हैं और ये अपना सारा इलेक्ट्रिक इंपल्स उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। स्टूडेंट्स, हम लोगों का अपना अगला टॉपिक है जिसका नाम सिनेप्सिस। ये
इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस होता है सिग्नल ट्रांसडक्शंस के लिए, यानी जब सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जब सिग्नल यानी ये हमारे जो इलेक्ट्रिक इंपल्स वो जंप करते हैं तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से देखिए ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया एक पुराने न्यूरॉन्स का, और वो जब न्यूरॉन्स यहाँ यहाँ से डेंड्राइट से जब सिग्नल रिसीव करते हैं और रिसीव करके उसको एग्जॉन से जब दूसरे टर्मिनल की मूव करते हैं तो वो टिलोंड्रिया में जाता है, और टिलोंड्रिया से उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए दूसरे न्यूरॉन्स के जो डेंड्रॉन्स होते हैं वो इसके तरह से इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, लेकिन टच नहीं होते हैं। और जब टच नहीं होते हैं तो ये इस प्रकार का इनके बीच में एक गैप जंक्शन क्रिएट हो जाता है, और उसी गैप जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। मतलब सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्सिस होता है टिलोंड्रिया ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ द सेकंड न्यूरॉन्स आर अटैच्ड टू वेयर प्लेस इज नोन एज द सिनेप्सिस। अब इस सिनेप्सिस के अंदर क्या होता है, ये देखिए मैंने इसको इनलार्ज, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक स्ट्रक्चर है, और इस ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये टिलोंड्रिया इस डेंड्रॉन से टच नहीं हुई है बल्कि उसके बीच में गैप है, और उस गैप को हम लोगों ने नाम दिया सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या नाम दिया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये तो हो गया हमारा टिलोंड्रिया या सिनेप्टिक नॉब्स कहते हैं, और ये हो गया हमारा डेंड्राइट्स, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ डेंड्राइट्स, और ये हो गया हमारा सिनेप्टिक नॉब्स। अब होता ये है कि आखिर कैसे सिग्नल मूव करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि सारे सिग्नल किस रूप में मूव करते हैं, प्लस चार्ज में। तो जब वो प्लस चार्ज इस टर्मिनल एंड तक पहुँचता है, तो जैसे ही ये प्लस चार्ज इस टर्मिनल एंड पे पहुँचता है तो सिनेप्टिक नॉब की दीवारों में लगे होते हैं कैल्शियम आयन चैनल, और ये कैल्शियम तभी एक्टिवेट होते हैं जब यहाँ पर प्लस चार्ज की मात्रा बढ़ती है, और जैसे प्लस चार्ज की मात्रा बढ़ती है कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और ये ECF से कैल्शियम को रिसीव करना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है तो हम देखते होंगे ये जो हमारा सिनेप्टिक नॉब है इसके साइटोप्लाज्म में एक विशेष प्रकार के वेसाइकल्स होते हैं, और इन वेसाइकल्स में विशेष प्रकार का ट्रांसमीटर भरा होता है जिसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, और ये वेसाइकल ठीक उसी तरह से जैसे लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। तो जैसे ही प्लस चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ता है तो उस दौरान कैल्शियम एंट्री करते हैं। अब जब कैल्शियम एंट्री करते हैं तो कैल्शियम का एक रोल होता है टू इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और जैसे ही ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है तो ये हमारा जो वेसाइकल्स है ये इसकी दीवार के पास आकर के क्या हो जाता है, फट जाता है, और जैसे ही दीवार के पास आकर के फट जाता है तो इनसे रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देता है, इस गैप में रिलीज कर देता है। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर इस गैप में रिलीज करते हैं तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये रिसेप्टर उस न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ते 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 एक ब्रिज बना लेते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर ब्रिज कहते हैं। अब जैसे ही ये ब्रिज बनता है, हम सभी जानते हैं जब दो वायर को काट दिया जाए और उनके बीच में कितना एक हल्का सा भी गैप हो तब भी इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से दूसरे वायर में स्प्लिट नहीं कर सकती, तो ये गैप उसी तरह से था। अब सोचिए अगर उसको विद इन सेकेंड के लिए टीनिएस्ट वायर से उसको हल्का सा कनेक्ट कर दिया जाए, तो जैसे ही इसे कनेक्ट होता है तो जितने प्लस चार्ज हमारे इस डेंड्राइट्स में थे वो इस सिनेप्टिक नॉब में थे वो तुरंत इससे मूव करते हुए कहां पहुंच जाते हैं, डेंड्राइट्स में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही एक साथ सारा सिग्नल डेंड्राइट्स में पहुंच जाता है उसी समय हमारा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर उसी तरह क्या डिसॉल्व हो यानी घुल जाता है, यानी एक विद इन सेकेंड के लिए प्रोड्यूस्ड होता है और विद इन सेकेंड के अंदर ही वो क्या होता है तुरंत डिसॉल्व हो जाते हैं। अब लेकिन उतना ही समय क्या होता है बहुत काफी होता है सिग्नल को एक सिनेप्टिक नॉब से दूसरे डेंड्राइट में जंप होने के लिए। अब जैसे ये जंप हो जाता है फिर ये अगले प्रोसेस के लिए यानी ब्रेन की तरफ क्या कर मूव कर जाता है। तो इस प्रकार से हम सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप करता हुआ देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस।